नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट यानी पुरुष रोग विशेषज्ञ। आपने मेरी पिछली काफ़ी वीडियोस देखी होगी इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे, और उस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस भी मिला है। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में लेटेस्ट साइंटिफिक जानकारी देता रहूँ, और मैं नई दिल्ली इंडिया में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए जो भी लेटेस्ट या जो भी साइंटिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसके बारे में आपको अवगत भी कराऊँ, साथ में आपके लिए वो चीप रेट्स पे अवेलेबल भी कराऊँ। अभी मैंने आपसे पीछे कुछ टाइम पहले लीनियर या लो इंटेंसिटी शॉक वेव ट्रीटमेंट के बारे में बात की थी। बेसिकली लो इंटेंसिटी शॉक वेव ट्रीटमेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर एक रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में शुरुआत में तो दवाइयाँ है, अगर दवाइयाँ काम नहीं करती तो सर्जरी है, पर सर्जरी और दवाइयों के बीच में क्या ऑप्शंस है? तो सर्जरी दवाइयों के बीच में हमारे पास बेसिकली दो ऑप्शंस है, एक है पी शॉट या पीआरपी और एक है लो इंटेंसिटी शॉकवेव या शॉकवेव थेरेपी। तो पी शॉट और पीआरपी तो मेरे क्लिनिक पे, मेरे सेंटर पे काफ़ी टाइम से अवेलेबल है। लो इंटेंसिटी शॉकवेव जो है वो काफ़ी टाइम से अवेलेबल है, पर पेशेंट्स उसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं उठा पाते क्योंकि वो पहले काफ़ी एक्सपेंसिव था। पर लो इंटेंसिटी शॉकवेव में काफ़ी रिसर्च के बाद काफ़ी नॉन जर्मन कंपनीज ने मशीनें बनाई है, तो इस कारण से अब लो इंटेंसिटी शॉकवेव की नई मशीनें आने के कारण लो इंटेंसिटी शॉकवेव का ट्रीटमेंट का प्राइस काफ़ी कम हो गया है। तो सबसे पहले समझेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में लो इंटेंसिटी शॉकवेव ट्रीटमेंट कैसे काम करती है। तो बेसिकली लो इंटेंसिटी शॉकवेव, नॉर्मली शॉकवेव क्या होता है? शॉकवेव बेसिकली साउंड की वेव होती है जो बॉडी के अंदर जाके डैमेज करती है। या तो नॉर्मली शॉक वेव्स को आप समझेंगे तो पहले इस्तेमाल करते थे किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए, तो उसको बोलते थे हाई इंटेंसिटी क्योंकि इसमें काफ़ी तेज शॉक जाता था कि जो कि पत्थर को तोड़ दे। फिर उस स्टडीज में पाया गया कि पत्थर तो टूटता है, पर जब डॉक्टर्स ने इन पेशेंट्स में एनिमल्स में स्टडीज़ की तो पाया कि पत्थर टूटने के बावजूद पत्थर के चारों तरफ जहाँ किडनी में जहाँ शॉक लगा हैवी वहाँ पत्थर टूट गया, पर जो शॉक वेव जो लो इंटेंसिटी या कम ताकत वाला शॉक जिस जिस पार्ट में लगा वहाँ पर जब उन एनिमल्स में किडनी निकाली गई या उन एनिमल्स में देखा गया तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई उनको ज़्यादा मिली। तो इससे डॉक्टर्स को लगा कि शायद शॉक वेव देने से ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, तो उन्होंने इसकी स्टडीज़ फिर एनिमल टिश्यूज़ पे भी करी, हार्ट पे भी करी, तो उससे रियलाइज़ हुआ कि अगर किसी टिश्यू को या बॉडी के स्ट्रक्चर को अगर आप लो इंटेंसिटी या कम इंटेंसिटी पे शॉक दो, शॉक मतलब बिजली का शॉक नहीं, शॉक मतलब साउंड वेव, साउंड वेव आप नॉर्मली देखोगे फिजिक्स, जो मेरे दोस्त हैं जो फिजिक्स पढ़े हुए हैं, बाकी जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, साउंड वेव किसी भी मैटर में एक्सपेंशन फॉर्म में जाती है। जब साउंड आवाज़ निकलती है या जोर से साउंड शॉक बहते हो तो वो एक वेव फॉर्म में जाती है, वेव होता है एक्सपेंशन और कंप्रेशन। तो ये वेव किसी भी टिश्यू में जाएगी, अगर पानी में जाएगी या ये वेव किसी स्टोन में जाएगी या किसी बॉडी में जाएगी तो ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है। इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को अगर बॉडी के अंदर किया जाए, बॉडी में सेल्स में किया जाए, तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से उन सेल्स में कुछ चेंजेस होते हैं। तो इस लो इंटेंसिटी शॉक वेव या लो इंटेंसिटी साउंड वेव्स को जब पेनिस पे दिया जाता है उन मरीजों में जिनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उन मरीजों में जिनमें पिनाइल डॉपलर पे दिख रहा है कि पेनिस के अंदर जो ब्लॉकेज है, जो आर्टरीज है उनके अंदर कैल्शियम जमा हुआ है या आर्टरीज में पूरा फ्लो नहीं है, जब इन पेशेंट्स की पेनिस पे शॉक वेव दिया जाता है तो शॉक वेव से चार पांच चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या है? सबसे पहले जब ये शॉक वेव जाती है पेनिस में तो जिन आर्टरीज के अंदर प्लाक, प्लाक मतलब रुकावट, रुकावट कैसे बनती है? बेसिकली कैल्शियम की रुकावट होती है, ये शॉक वेव जाके उन प्लाक्स को तोड़ती है। उन प्लाक्स को तोड़ने से जो ये प्लाक्स, जब कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स है, कैल्शियम के प्लाक्स है, अपनी जगह छोड़ते हैं तो उस एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ता है। तो जिन मरीजों में डायबिटीज़ है, जिन मरीजों में हार्ट डिजीज़ है, जिन मरीजों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्लाक्स की वजह से है और जिन मरीजों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन इतना हो चुका है कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही, उन मरीजों के अंदर शॉक वेव से इन प्लाक्स को तोड़ के ब्लड सप्लाई बढ़ा सकते हैं। दूसरा फायदा, जब ये शॉक वेव्स इन टिश्यूज़ को डैमेज करती है तो टिश्यूज़ मरते हैं, ऑब्वियसली जो टिश्यूज़ हेल्दी है वो तो झेल जाएंगे, जो टिश्यूज़ या जो ब्लड वेसल्स हेल्दी नहीं है, कुछ कमज़ोर है या मरने के कगार पे है, वो सेल्स शॉक वेव से मर जाते हैं। जब वो मरते हैं तो वो अपने एरिया में नई टिश्यूज़ या नए ब्लड वेसल्स या एंजियोजेनेसिस बोलते हैं उसकी प्रोडक्शन हेल्प करते हैं, तो पेनिस के अंदर नई ब्लड सप्लाई डेवलप होती है। इस कारण से क्या है कि जो इरेक्शन पहले ढीला था या आधा था वो इरेक्शन बेटर होता है।
तीसरा, जब ये शॉक वेव्स पेनिस के अंदर जाती है, सेल्स को डैमेज करती है, तो सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स है, नॉर्मली दवाइयाँ कैसे काम करती है, नॉर्मली हम दवाई खाते हैं, ब्लड में जाती है, दवाई फ्लो करके पेनिस में जाती है, वहाँ पेनिस में जाके ये दवाइयाँ जैसे सिडनाफिल, टडालाफिल है, ये NO या नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, जो सेल के अंदर घुस के रिसेप्टर मतलब उसका जो टारगेट है या उसकी जो घंटी है उसको बजा के इरेक्शन कॉज करता है। होता क्या, अगर आप बहुत टाइम से सियालिस खा रहे हैं, टडालाफिल खा रहे हो, धीरे धीरे पेनिस के अंदर उसका इफेक्ट कम होता चले जाता है। अगर ये शॉक वेव दी जाए तो ये उन रिसेप्टर्स को डिस्टर्ब करती है और बॉडी को फोर्स करती है कि नए रिसेप्टर्स बनाए जाए। तो कई बार उन मरीजों में जिनमें टडालाफिल काम करनी बंद हो गई है या काम नहीं करती है या कम काम करती है, शॉक वेव ट्रीटमेंट के बाद उन मरीजों के अंदर टडालाफिल या वायग्रा फिर से काम करना शुरू कर जाती है, और कई बार जो मरीजों में काम कर रही है उन मरीजों में उसकी दवाइयों की डोज कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेशेंट है जो 20 mg की डोज खा रहा है, शॉक वेव के बाद उसको सिर्फ 5 mg या 2.5 mg से भी उसका काम चलना चालू हो जाता है। चौथा, जब ये शॉक वेव्स लगते हैं तो बॉडी में कई सारे ग्रोथ फैक्टर्स, नॉर्मली आप देखेंगे जो मसल मैन होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, उनकी मसाज होती है। मसाज किस लिए होती है, ताकि जो ब्लड अटका हुआ इकट्ठा हुआ है वो मूव करे, पेन फैक्टर ख़त्म हो जाए, और जो भी उस एरिया में कलेक्टेड इश्कीमिक इंजरी है वो रिलीज हो। तो उसी तरह पेनिस में भी कई बार क्या होता है कि ओवर मास्टरबेशन से या इनएडिक्वेट इरेक्शन से बहुत सारे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स इकट्ठे होते हैं। शॉक वेव्स उनको डिसरप्ट करती है, उधर ब्लड सप्लाई बढ़ाती है और उनको ब्लड स्ट्रीम में निकालती है। इस कारण से पेनिस में रिहैबिलिटेशन या पेनिस में इम्प्रूवमेंट होता है। तो इन 4-5 फैक्टर्स से, एंजियोजेनेसिस, ग्रोथ फैक्टर्स, पुराने टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स निकाल के, रिसेप्टर रीएक्टिवेशन और प्लाक डिसरप्शन, क्या बताया मैंने, 5 फैक्टर क्या हुए, प्लाक डिसरप्शन मतलब कैल्शियम का प्लाक निकलेगा, एंजियोजेनेसिस मतलब कि नई ब्लड वेसल बनेगी, जो ग्रोथ फैक्टर है जो नई वेसल बनाने के लिए जो टिश्यू फैक्टर्स है वो बनेंगे, जो मेटाबोलाइट्स अंदर है निकल नहीं पा रहे हैं वो निकलेंगे, और हमारा जो रिसेप्टर है जो कम हो गए थे या काम नहीं कर रहे थे वो रिसेप्टर फिर से काम करेंगे। तो उससे पेशेंट्स को इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काफ़ी फायदा होता है। अब किस मरीज़ में PRP दिया जाए, किस मरीज़ में शॉक वेव दिया जाए, किस मरीज़ में दोनों दिया जाए, ये अभी भी साइंटिफिक क्वेश्चन है। कई स्टडीज़ कहती है कि अगर सपोज़ पेनाइल डॉपलर पे फ्लो अच्छा है, इरेक्शन में फ्लो अच्छा है, कोई रुकावट नहीं है, उन मरीजों में पी शॉट बेटर काम करता है, और जिन मरीजों में रुकावट ज़्यादा है उनके अंदर पहले शॉक वेव देकर रुकावट खोली जाए और उसके बाद उनमें पी शॉट ट्राई किया जाए, उससे फ़ायदा होता है। कुछ स्टडीज़ कहती है कि इसके अंदर रेजिस्टिव इंडेक्स या इसके अंदर इश्कीमिक फैक्टर्स या इसके अंदर पेनिस में कोई प्लाक्स देखकर उसका ट्रीटमेंट किया जाए। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट, पेशेंट की एज, कितने साल से ED है, डायबिटीज़ है या नहीं है, BP है या नहीं है, स्मोकर है या नहीं है, पेनाइल डॉपलर क्या फाइंडिंग मिलती है, हॉर्मोन रिपोर्ट्स क्या है, ओवरवेट है या अंडरवेट है, पेनिस का साइज़ क्या है, पेनिस के अंदर कितनी फाइब्रोसिस है, कितनी मोडालिटी है, पेनिस कितना हार्ड है फील करने में, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिसाइड करके डिपेंड होता है कि पेशेंट को किस ट्रीटमेंट से बेनिफिट मिलेगा। कई बार पेशेंट को कुछ भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो जाता है, कई बार पेशेंट को सिर्फ पेनाइल रिहैब की जरूरत होती है, कई बार पेशेंट को एक्सरसाइज ही काफ़ी होती है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को अगर साइंटिफिकली हैंडल किया जाए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को अगर समझा जाए कि क्यों है, पेशेंट को क्या परेशानी है, पेशेंट की परेशानी को समझ के अगर उसको मैनेज किया जाए तो ट्रीटमेंट से पेशेंट रिस्पॉन्ड करते हैं और अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, लंबे टाइम रिस्पॉन्ड करते हैं। लीनियर शॉक वेव की मशीन जो हमने नई अभी एक्वायर की है, उसकी प्राइसिंग, उसकी यूज़, उसके सेशंस, वो कैसे फ़ायदा करती है, उसकी सक्सेस स्टोरीज, उससे होने वाले चेंजेस, ये सब के बारे में आते हुए टाइम में वीडियोज़ बनाऊँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एंड्रोलॉजी को लेकर जो भी नया ट्रीटमेंट है या जो भी हम नया ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो वर्ल्ड में नया ट्रीटमेंट आ रहा है, उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूं ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े, दोस्तों नॉलेज भी बढ़े, और अगर आप पीड़ित है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको उसका सलूशन भी मिले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते।